कलर्स टीवी पर प्रसारित हो रहा लोकप्रिय शो बैरिस्टर बाबू एक भारतीय सामाजिक ड्रामा शो है, जिसे पिछले साल से ही टीवी पर प्रसारित किया जा रहा है, जो बोंदिता और अनिरुद्ध की बाल विवाह की कहानी पर आधारित है, जिसमें दोनों ही कलाकार अपने अपने किरदार को बखूबी पर्दे पर उतारते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही दर्शकों का खूब मनोरंजन भी कर रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको सीरियल के बारे में नहीं, बल्कि शो में बोंदिता का किरदार निभा रही चाइल्ड आर्टिस्ट के पहले और आज के बारे में बताने वाले हैं कि शो शुरू होने से लेकर आज तक इनमें क्या क्या बदलाव आया, आज ये कैसे दिखती हैं और कहां रहती हैं। वेल, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। साथ ही इस क्यूट सी चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें। सीरियल बैरिस्टर बाबू में बोंदिता का किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीतने वाली चाइल्ड आर्टिस्ट का असली नाम औरा भटनागर है, जिनका जन्म उत्तराखंड के एक मिडिल क्लास फैमिली में 10 मई 2011 को हुआ था और शो में काम करने के साथ साथ ये अपनी पढ़ाई भी कर रही हैं। अगर बात करें इनके अभिनय करियर के बारे में तो आपको बता दें कि इन्हें एक्टिंग और डांसिंग का बहुत शौक है, पर आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि इनके एक्ट्रेस बनने के ख्वाब ने इन्हें इनकी तीसरी क्लास में ही सीरियल बैरिस्टर बाबू में काम करने का ऑफर दिलवाया था। जी हाँ, जब ये तीसरी क्लास में थी तो इन्हें सीरियल में काम करने के लिए चुना गया। हालांकि बोंदिता के किरदार के लिए कई चाइल्ड आर्टिस्ट को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन उन सभी बच्चों की तादाद में बोंदिता के रोल के लिए औरा भटनागर सिलेक्ट हुई और इस तरह इन्होंने अपना पहला कदम टीवी पर साल 2020 में रखा, जिसमें आज वो अपने जबरदस्त किरदार के साथ नजर आ रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धारावाहिक में बोंदिता का किरदार निभाते हुए नजर आ रही चाइल्ड आर्टिस्ट कुछ ही महीनों में काफी ज्यादा बदल चुकी हैं। जी हाँ, जब इस सीरियल में औरा भटनागर की एंट्री हुई थी तब ये केवल 8 साल की थी और वर्तमान में ये बाल कलाकार 9 साल की हो चुकी है और एक साल के अंदर ये काफी बदल भी चुकी हैं। अब दिखने में पहले के मुताबिक काफी खूबसूरत और स्टाइलिश नजर आती हैं। शुरुआत में इनके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी, पर अब इन बीते दिनों में इनके लुक्स, ड्रेसिंग स्टाइल एंड फैशन से लेकर सभी चीजों में काफी बदलाव आया है। इसके अलावा ये सोशल मीडिया पर भी आए दिन अपने स्टाइलिश और खूबसूरत फोटोज को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। जैसा कि आप इनकी एक साल पहले और अब की फोटोज को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ये कितनी ज्यादा खूबसूरत होती हैं। वेल, आपको औरा भटनागर का ये एक साल में बदला हुआ चेहरा कैसा लगा, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।